Hi dosto, welcome to Blue Pen Blue Marker. So this time we are again present, having in hand this book, and we were let's continue the chapter. Is A Child Is Born by Germaine Greer. Okay, हमने दोस्तों यहाँ तक छोड़ दिया था पॉइंट नंबर 3 तक, तो वहाँ से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं ऑन पेज नंबर 58. और ये पॉइंट 3 का जो ये जो कुछ कमेंट्री लिखा हुआ है, हम इस कमेंट्री को हम लोग एक बार देख लेते हैं. कमेंट्री कहता है कि नो वन वुड डिनाई दैट ईच इन्फेंट एंड पर्टिकुलरली एवरी मैटरनल डेथ इज अ ट्रेजडी टू बी प्रिवेंटेड इफ एट ऑल पॉसिबल. कहता है दोस्तों कि नो वन वुड डिनाई, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इसको इनकार करेगा, डिनाई करेगा, दैट ईच इन्फेंट, कहता प्रत्येक बच्चा जो छोटा बच्चा होता है, एंड पार्टिकुलरली और विशेषकर एवरी मैटरनल डेथ, अब प्रत्येक जो मातृ जो मृत्यु होती है, माता या जो माँ की जो मौत होती है, इज ट्रेजडी, वो एक ट्रेजडी है, वो एक काफ़ी दुखद घटना है, टू बी प्रिवेंटेड, जिसको रोका जाना चाहिए. इफ एट ऑल पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल हो सके, अगर ये मुमकिन हो सके, तो हम इस चीज़ को हमको रोकना पड़ेगा. क्लियर है? नॉर दैट मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक केयर, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न जो ऑब्स्टेट्रिक दोस्तों, जिसमें बच्चे को जन्म होने की जो जो पूरा प्रोसेस है, जो 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 मेडिकल प्रोसीजर्स है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक. नॉर दैट ऑब्स्टेट्रिक केयर विच हैज़ डेवलप्ड इन द हॉस्पिटल सेटिंग्स, जो कि डेवलप किया गया है, जो कि बनाया गया है एक हॉस्पिटल के सेटिंग्स में, एक हॉस्पिटल के अंदर जो ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, इस चीज़ पे हमको हैज बीन एटलीस्ट पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रामेटिक डिक्रीज इन बोथ मैटरनल एंड प्रीनेटल मोर्टेलिटी ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी. कहता पिछले 50 सालों में, पास्ट हाफ सेंचुरी, पिछले हाफ सेंचुरी में ऐसा देखा गया है कि दोनों तरह की जो मौतें हैं, दोनों की तरह की जो मृत्यु है, माँ की मृत्यु और दूसरा बच्चे की मृत्यु, दोनों पे थोड़ा सा परवर्स मोर्टालिटी, थोड़ा सा जो उनके मरने का जो दर है वो थोड़ा कम हुआ है. किस लिए कम हुआ है दोस्तों? जस्ट ये जो हॉस्पिटल सेटिंग्स हैं, ये जो जितने भी ऑब्स्टेट्रिक जो मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक मेथड्स हैं, इनका यूज़ करने से पिछले 50 सालों में ऐसा देखा गया है कि कुछ ना कुछ जो मोर्टालिटी रेट्स में हैं, ये जो मृत्यु की दरें हैं, बच्चों की भी और माताओं की भी कम हुई हैं, डिक्रीज हुई हैं. But it is not necessarily perverse to question whether our present priorities should be to reach minimum figures for prenatal mortality at any price, when this includes giving up things which free human beings have often felt to be more important than their own survival. तो ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि ये जो हॉस्पिटल सेटिंग्स ने, हॉस्पिटल्स ने जितना चीज़ें इसके मोर्टेलिटी रेट्स को कम किया है, उसी के साथ साथ ये नेसेसरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, एक परवर्स टू क्वेश्चन, एक प्रश्न के मतलब ख़िलाफ़ नहीं है, वेदर आवर प्रेजेंट प्रायोरिटी, कि आज जो हमारा जो वर्तमान जो हमारा प्रायोरिटी है, जो हमारा वर्तमान जो हम प्रीफर करते हैं, क्या चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, शुड बी टू रीच मिनिमम फिगर्स. हमको क्या मिनिमम फिगर्स को पहुंचना है कि मोर्टालिटी रेट जो बच्चों की और उनके माओं की जो मरने की जो दरें हैं, वो हम मिनिमम वो जो फिगर है मिनिमम हो जाए फॉर प्रीनेटल मोर्टालिटी एट एनी प्राइस, किसी भी प्राइस पर, किसी भी कीमत पर, प्रीनेटल जो पैदाइश से पहले की जो मोर्टालिटी है, जो पैदाइश से पहले बच्चे मर जाते हैं, उस पर हमको कंट्रोल करना है. व्हेन दिस इंक्लूड्स गिविंग अप थिंग्स, और जब ये इंक्लूड करता है, जब इसको हम शामिल किया जाता है, इंक्लूड्स गिविंग अप थिंग्स, उन चीज़ों को छोड़ते हुए विच फ्री ह्यूमन बींग्स, जो चीज़ें इंसान को फ्री करती हैं, आज़ाद करती हैं, मुक्त करती हैं, हैव ऑफन फेल्ट, हमेशा कई बार ऐसा महसूस किया गया है, टू बी मोर इम्पॉर्टेंट, ताकि ये क्या क्या होने के लिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण होने के लिए, क्या महत्वपूर्ण, देन देयर ओन सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल, अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन को मतलब
अपने जीवन से ज़्यादा, अपने सर्वाइवल से ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गया है कि दूसरी की जो जो ज़रूरतें हैं और जो 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 मतलब प्रीनेटल जो जितनी भी मौतें हैं उसको रोकने के लिए जो भी किया जा सके वो किया जाना चाहिए। अपने कह रहे हैं दोस्तों, इसको एक बार दोबारा देख लीजिए, प्रीनेटल मोर्टेलिटी एनी प्राइस, किसी भी प्राइस पर, किसी भी कीमत पर, उनको प्रीनेटल जो पैदाइश से पहले, जो जन्म से पहले की जो मौतें होती हैं उस पर हमको कंट्रोल करना है। व्हेन दिस इंक्लूड्स गिविंग अप थिंग्स विच फ्री ह्यूमन बींग्स, और ये वो उन चीज़ों को इंक्लूड करता है, सम्मिलित करता है जिसको गिविंग अप थिंग्स, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए विच फ्री ह्यूमन बींग्स, जो कि फ्री ह्यूमन बींग को मुक्त करते हैं और जो कि कई बार महसूस भी किया गया है, जो कि बहुत बार इम्पॉर्टेंट है देन देयर ओन सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल से, अपने जीवन से, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा वो चीज़ें इम्पोर्टेंट रखती हैं। क्लियर दोस्तों? सच एज जैसा कि फ्रीडम टू लीव देयर ओन लाइफ्स, कहते हैं ऐसी आज़ादी जो अपने ज़िंदगी को जीने की हो, है ना, देयर ओन वे, अपने स्टाइल में जीने की आज़ादी हो, एंड टू मेक इंडिविजुअल चॉइसेस, और इंडिविजुअल प्रत्येक निजी आदमी को, प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक व्यक्ति को निजी चॉइसेस होने चाहिए, इंडिविजुअल चॉइसेस होने चाहिए इन लाइन विद देयर ओन सेंस ऑफ वैल्यूज़, उनके अपने वैल्यूज़ के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार उनकी अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, अपनी चॉइसेस होनी चाहिए। तो ये कमेंट्री था दोस्तों किजिंगर, शीला एंड जॉन ए डेविस, ए द प्लेस ऑफ बर्थ ये किताब का नाम है। तो इससे एक हिस्सा, इससे एक भाग वहाँ से लिया गया है। तो चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 59 हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इन मैनी सोसाइटीज, बहुत सारे समाजों में वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउसेज एट मैरिज टू लीव विद द मदर इन लॉ एंड द वाइव्स ऑफ देयर हस्बैंड्स ब्रदर्स। कहते हैं दोस्तों कि आज भी बहुत सारे सोसाइटीज़ में, बहुत सारे समाज में क्या होता है कि वुमेन जो हैं, औरतें जो हैं, स्टिल आज भी गो फोर्थ जाती हैं, आगे को जाती हैं, कहाँ जाती हैं, फ्रॉम देयर मदर्स हाउस, अपनी माँ की घर से कहाँ जाते हैं, अपने सास ससुर के घर को जाते हैं शादी के बाद, हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, एंड द वाइव्स ऑफ देयर हस्बैंड्स ब्रदर्स, एंड द वाइव्स और उनके हस्बैंड के भाई, मीन्स उनके हस्बैंड के भाई की बीवियों, आप समझ रहे, कहते हैं कि बहुत सारे सोसाइटीज़ में ऐसा होता है स्टिल आज भी, गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिज, मैरिज के बाद, मैरिज में अपने माँ बाप के घर से वो कहाँ चले जाते हैं, टू लीव रहने के लिए विद द मदर इन लॉ, अपनी सास के साथ, एंड द वाइव्स ऑफ देयर हस्बैंड्स ब्रदर्स, और उन वाइव्स के साथ, उन अपने पति के भाई के बीवियों के साथ रहने के लिए चले जाते हैं। ऑफकोर्स ऐसे ही होता है जब भी हमारे यहाँ भी जब लोगों की शादियाँ होती हैं किसी लड़की की, तो वो अपने माँ बाप के घर को छोड़ करके अपने सास ससुर के यहाँ और अपने पति के भाई के वाइफ्स के साथ, जिसको हम लोग जेठ जेठानी वगैरह वगैरह कहते हैं, उसके साथ रहने के लिए वो चली जाती है। इट इज़ अ ट्रूइज़म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एक सच्चाई है ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट। दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं द साइंस ऑफ ह्यूमन स्टडी, जो इंसानों के बारे में जिस साइंस में उसका जिक्र किया जाता है, उसकी पढ़ाई की जाती है, उसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। सामाजिक जानवर, सामाजिक जितने भी लोग हमारे, उसके बारे में बताया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो ये एक सच्चाई है एंथ्रोपोलॉजी का, दैट सच वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ देयर न्यू फैमिली, ऐसे औरतें जिनकी शादी नहीं होती है वो तब तक उस फैमिली का मेंबर या सदस्य नहीं होता है जब तक, अनटिल दे हैव बोर्न अ चाइल्ड, जब तक कि वो उसका एक बच्चा ना हो जाए, वो एक बच्चे को जन्म ना दे। बात समझ में आ रही? ओके, इफ़ वी कंसिडर, अगर हम ऐसा सोचें दैट इन सच सोसाइटीज़, कि अगर उन सोसाइटीज़ में, उन सामाजिक सेटअप्स में द मैरिज वॉज क्वाइट लाइकली टू हैव बिन अरेंज्ड, तो
ऐसी सोसाइटीज़ में क्या होता है कि जो शादी जो होती है, मैरिज जो होती है, क्वाइट पूरी तरह से ऐसी संभावना होती है, लाइकली टू हैव बीन अरेंज्ड, ऐसे शादियों को अरेंज किया जाता है, ऐसे शादियों को मैनेज किया जाता है, दूल्हा दुल्हन को उन दोनों की फैमिलीज़ को बात करके अरेंज्ड मैरिज, आप जानते दोस्तों लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। लव मैरिज में दोनों जो कपल होते हैं, लड़का लड़की जो होते हैं, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। लेकिन जो अदर फैमिलियल सेटअप होता है, वहाँ दो फैमिलीज़ आपस में बात करती हैं, दो लड़का लड़की के बारे में उनकी शादी हो जाती है, दोनों फैमिलीज़ के मेलजोल से, दोनों फैमिलीज़ की सोच, आपसी सोच समझ से, आपसी तालमेल से, इसी को हम लोग बोलते हैं अरेंज्ड मैरिज। तो जितने भी इस तरह के जो चीज़ें हैं, जिस तरह की चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो ये क्वाइट लाइकली, ऐसा बिल्कुल ऐसा संभावना है कि ऐसी जो शादियाँ होती हैं वो अरेंज्ड मैरिज होती हैं, वो अरेंज की जाती हैं। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये समझा जा सकता है दैट द ब्राइड टू लॉन्ग्स, चूँकि दुल्हन भी चाहती है, फॉर द चाइल्ड, एक बच्चे को चाहती है, हु विल स्टैंड इन द सेम इंटीमेट रिलेशनशिप। दुल्हन भी एक बच्चा चाहती है, वो भी चाहती है, और वो ये भी चाहती है कि जिस तरह से उसकी माँ के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं, द चाइल्ड हु विल स्टैंड इन द सेम इंटीमेट रिलेशन, उसका बच्चा भी उसके साथ उसी तरह से घनिष्ठ रिश्ते में जुड़ा होगा जैसे कि वो अपनी मम्मी के साथ जुड़ी हुई हैं। इंटीमेट रिलेशनशिप टू हर एज शी विद हर ओन मदर, वो लड़की सोचती है कि मेरा जो बच्चा होगा तो मेरा बच्चा भी उसी तरह से मेरे साथ घनिष्ठता के साथ जुड़ा होगा जैसे कि मैं अपनी मॉम के साथ, अपनी मम्मी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कौन सोचती है? वो औरत या वो लड़की जिसकी शादी होती है। ओके, द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सच मोर्स, कहते हैं कि ये जो अगर हम पश्चिमी देशों के नुक्ते नज़र से देखें, उसका इंटरप्रिटेशन देखें, उसकी व्याख्या को देखें, तो हमको पता चलेगा इन चीज़ों के बारे में, इन सच मोर्स, इन चीज़ों के बारे में जो हमारे यहाँ घटती है, इज़ दैट दे आर बैकवर्ड। वो क्या कहते हैं? वो लोग पिछड़े हैं, वो लोग बैकवर्ड हैं, क्रियल एंड रॉन्ग, निर्दयी हैं और गलत हैं। ये पश्चिमी लोग, पश्चिमी सभ्यता के लोग, पश्चिम के लोग, पूर्व के लोगों के बारे में ऐसा सोच रखते हैं, ऐसी बात कहते हैं। इट इज़ अज्यूम्ड, ऐसा माना जाता है दैट कि द सेक्सुअल रिलेशंस, जितने भी सेक्स के संबंध हैं, जितने भी जिनसी ताल्लुकात हैं, जितने भी फिजिकल रिलेशंस हैं, सेक्सुअल रिलेशंस हैं बिटवीन द स्पाउसेस, दोनों मियाँ बीबी, पति पत्नी के बीच में, स्पाउस मने हो दोस्तों पति पत्नी के बीच में, आर परफंक्ट्री। परफंक्ट्री एक वर्ड है दोस्तों, परफंक्ट्री मीन्स बोलता है कि जस्ट एक जो कोई काम हम ड्यूटी के लिए करते हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटी है इसलिए करते हैं, कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, कोई मज़ा नहीं है, कोई जोश नहीं है। तो ये जो स्पाउस के बीच का जो सेक्सुअल रिलेशन होता है, जो इन दोनों के बीच के जो जिंसी ताल्लुकात होते हैं, जो भी संबंध होता है इनका, जिस्मानी जो भी संबंध होता है उन अपने मियाँ बीवी और पति पत्नी के बीच, ये प्योरली परफंक्ट्री होता है, जस्ट एक ड्यूटी के रूप में होता है, कोई उसमें मज़ा, कोई उसमें इंटरेस्ट, कोई उसमें लगन नहीं होती है। एंड एक्सप्लॉयटेटिव, और काफ़ी शोषण से भरा होता है, एक्सप्लॉयटेटिव होता है। एंड दैट ऑल मदर इन लॉज, और कहते हैं कि जितने भी सास लोग होती हैं, अपने पति की माएँ होती हैं, वो सारी की सारी अनजस्ट होती हैं, अनजस्ट। वो लोग क्या होती हैं? वो लोग इंसाफ नहीं करती हैं, वो लोग गैर इंसाफ की होती हैं, वो लोग अनजस्ट होती हैं, एंड विंडिक्टिव, और वो काफ़ी स्पाइटफुल होती हैं, काफ़ी हार्मफुल होती हैं अपनी बहुओं के लिए। विंडिक्टिव जो 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 नुकसान पहुंचाती है, मतलब वो नुकसान पहुंचाने वाली होती है अपने बहू के लिए। काली पकड़ में आ रही है, आप लाइन बाय लाइन देखते चलिए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ फेमिनिस्ट्स, कहता है कि एक सबसे बड़ी मुश्किल वाली जो बात है एक फेमिनिस्ट के रास्ते में, एक फेमिनिस्ट मीन्स वो व्यक्ति जो 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 फीमेल्स के बारे में सोचती है, लिखती है, उसी के बारे में तलाश करती है, उन लोगों के रास्ते में एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी आती है, एक परेशानी आती है। कब? हु आर नॉट शोविनिस्टिक, जो कि शोविनिस्टिक
नहीं है। सोविनिस्टिक बोलते हैं दोस्तों एक ऐसी सोच जो ये बताता है कि हम ही अच्छे हैं, हमारा समाज अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है, इस तरह के लोगों को हम लोग बोलते हैं सोविनिस्टिक। ओके, फेमिनिस्ट हु आर नॉट सोविनिस्टिक, वो जो फेमिनिस्ट हैं जो कि सोविनिस्टिक नहीं है, जो अपने आप को ही अच्छा नहीं कहते हैं, एंड वांट टू लर्न, और कुछ सीखना चाहते हैं फ्रॉम वुमेन, उन औरतों से हु स्टिल लिव विद इन अ फीमेल सोसाइटी, जो अब भी एक फीमेल सोसाइटी में के अंदर एक जो फीमेल का जो समाज है, जो नारी समाज है, उसी के अंदर रहती है। इज़ द टेंडेंसी एक तरह का टेंडेंसी है, एक तरह का झुकाव है किस तरफ, ऑफ दोज वुमेन टू विड्रॉ इन टू साइलेंस, और उन औरतों का जो एक तरह का झुकाव है, कैसा झुकाव है, ऑफ दोज वुमेन टू विड्रॉ इन टू साइलेंस, वो चुपचाप साइलेंट अपोजिशन, वो जो अपोज करते हैं, वो जो विरोध करते हैं, साइलेंटली विरोध करते हैं, बोलकर विरोध नहीं करते, बोलकर जताते नहीं, वो चुपचाप विरोध तो करते हैं लेकिन साइलेंटली विरोध करते हैं, चुपचाप विरोध करते हैं, और वो विड्रॉ कर लेते हैं, और वो अपने आप को वापस अपना जो विन टू विड्रॉ इन टू साइलेंस, और अपने साइलेंट अपोजिशन में विड्रॉ कर लेते हैं। मीन्स विड्रॉ करना बोले तो हम जो कुछ किसी को कहना चाहते हैं वो कहते नहीं हैं, अपने आपस में अपने पास रख लेते हैं, जिसको बोलते हैं विड्रॉ करना। क्लियर है? व्हेन पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल फोरम, जब वो इंटरनेशनल फोरम में जहाँ बहुत देशों से भिन्न अलग अलग देशों से लोग जिस डाइस पर जिस स्टेज पर पहुंचते हैं, वहाँ पर वो लोग जो अपना जो जिनको बोलना होता है, वो अपने जो अंदर की जो अपोजिशन है वो साइलेंटली उसको विड्रॉ कर लेते हैं, उसमें चुप रह जाते हैं, वो उस सतह पर, उस लेवल पर कुछ नहीं बोलते। कंडक्टिंग इन लैंग्वेजेस विच दे कैन नॉट स्पीक विद फ्लुएंसी, वो इसलिए भी चुप रहते हैं, इसलिए भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो जो भी इस तरह के जो कॉन्फ्रेंस है, वो जो कंडक्ट किया जाता है, वो जो कॉन्फ्रेंस को वहाँ बुलाया जाता है, वो उस भाषा में होती है जिस भाषा की नॉलेज जानकारी उन लोगों को नहीं होती है, वो लोग उसमें फ्लुएंट नहीं होते हैं, वो लोग उसको बिल्कुल धड़ल्ले से बोल नहीं सकते हैं। ओके, वुमेन ऑफिशियल ऑफ द सूडानीज गवर्नमेंट, अब कहते हैं कि सूडानी हुकूमत की जो वुमेन ऑफिशियल्स हैं, जो महिला कर्मचारी हैं, वो लोग कहते हैं टोल मी, उनने इन ऑथरेस को, इन ये जो लेखिका हैं जर्मेन ग्रियर को कहा, टोल मी दैट दे हैड गिवन अप, कि उन लोगों ने छोड़ दिया है, गिवन अप माने छोड़ दें, गिव अप छोड़ देना, कि उन लोगों ने छोड़ दिया, किन्ने सूडानीज वुमेन ने छोड़ दिया है गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, जो अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, बैठक हैं, जहाँ लोग मिलते हैं अंतर्राष्ट्रीय रूप में, वहाँ जाना उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि इवन दो द ट्रिप्स वर ए ट्रिमेंडस ट्रीट, जाना छोड़ दिया है, हालांकि वो ये बात मानते हैं कि वहाँ जो जाना है एक बहुत बड़ा ट्रीट है, बहुत बड़ा हमको दावत मिलती है, बहुत बड़ा अच्छा आवभगत होता है, लेकिन वो जाती नहीं है, क्यों, बिकॉज दे वर टायर्ड ऑफ बींग टोल्ड अबाउट देयर ओन लाइव्स, कि वो थक चुके हैं अपने ज़िंदगी के बारे में बयां करते करते, कहते कहते, इंस्टेड ऑफ बींग कंसल्टेड, कि इसके बदले में कि उनसे कंसल्ट किया जाए, उनको पूछा जाए, उनकी राय ली जाए, कोई उसकी राय नहीं लेता, सिर्फ उसके बारे में उनकी ज़िंदगियों के बारे में है ना, वो लोग कहते कहते थक चुके हैं, लेकिन कोई उसको कंसल्ट करने के लिए आया नहीं कि तुम्हारे साथ क्या घट रहा है। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। दस वी इन द वेस्ट वुड रिगार्ड इट एज आउटरेजस, कहते कि इस तरह से अगर वेस्ट की हम लोग बात करें, अगर हम पश्चिम की बात करें, तो पश्चिमी देशों में इसको कहा जाता है, इसको रिगार्ड किया जाता है किस तरह से, आउटरेजस, शॉकिंग, काफ़ी धक्का देने वाला है ना,
that a woman could lose her own name. कहते हैं कि एक औरत अपने नाम को खो देती है. क्या करती है? अपने नाम को खो देती है. Own name become known as the mother of her first born. कहते हैं कि और उसका अपने नाम को खो देती है और वो किसके नाम से जानी जाती है? अपना उसका जो पहला बच्चा पैदा होता है उसी के मम्मी के नाम से वो जानी जाती है. Once she has born it, एक बार अगर उसने उसको पैदा कर लिया. Although of course most of us do not protest. हालांकि ऐसा है, of course ये सच बात है कि हम में से बहुत लोग इस बात को पर एतराज नहीं करते हैं. Against the sinking of the woman's lineage, वो जो women का, वो जो महिलाओं की का जो वंश है वो डूब जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है. इसके अगेंस्ट में, इसके बरअक्स, इसके 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 खिलाफ, इसके इसके खिलाफ हम लोग कोई भी प्रोटेस्ट हम लोग नहीं करते हैं. हम जानते हैं कि वो बच्चे को जन्म देती है, उसका नाम ख़त्म हो जाता है, वो अपने पहले बच्चे के नाम से उसकी माँ करके पहचाना जाता है. वो जो अपना जो लीनिएज है, अपना जो उसका वंश है, उसको वो खो देती है, वो समाप्त हो जाता है. और ये सही नहीं है, ये आउटरेजस है, ये काफ़ी शॉकिंग है. कौन कह रही है? ये लेखिका कह रही हैं कि ये वेस्ट में ऐसा होता है, वेस्ट का ऐसा मानना है. क्लियर है? ओके. अंडर हर हस्बैंड नेम एट मैरिज. कहते हैं कि अगर उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने हस्बैंड को अपना लिनेज सौंप देती है, उसका लिनेज जो ख़त्म हो जाता है, डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है. ओके. इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, कहता कि बहुत सारे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, एक जो ट्रेडिशनल समाज हैं जो बिल्कुल हैंड डाउन होते हुए आ रहे हैं, उसके बाप दादा की रीत को निभाते हुए आ रहे हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. कहते हैं कि ये जो रिश्ता है मदर और चाइल्ड के बीच का, माँ और बच्चे के बीच का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है देन द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. उस रिश्ते से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि हस्बैंड और वाइफ का होता है. उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा रिश्ता है? बच्चे का और उसके माँ के बीच में जो रिश्ता है. इन सम, कुछ में, इनडीड, वास्तविक रूप से, द चाइल्ड रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली इज एज इम्पॉर्टेंट और इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन आइदर. और ये बात भी सच है कि चाइल्ड का जो संबंध है, रिश्ता है विद द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली, बाकी फैमिली परिवार के लोगों के साथ जो है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. और इवन मोर, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसकी माँ और उसके बाप के बीच का जो रिश्ता होता है, बच्चे का रिश्ता परिवार के साथ और भी ज़्यादा होता है ना. चूँकि हमारे यहाँ ऐसा भी तो होता है ना कि जब बच्चा पैदा होता है, माँ का दुलारा तो जो भी है वो है ही, लेकिन फैमिली का दुलारा सबसे पहले हो जाता है. तो वही कहते हैं कि फैमिली जो परिवार है, और परिवार और बच्चे के बीच का जो प्यार है, जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो माँ बाप के बीच के रिश्ते से भी ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है. चलिए दोस्तों, ये फिफ्थ पॉइंट ख़त्म हुआ. हम लोग चलते, तो चलिए, ये सिक्स पॉइंट चूँकि शुरू नहीं हुआ, तो एक कुछ कमेंट्री है, हम लोग इस कमेंट्री को पढ़ लेते हैं. और एक कमेंट्री लिया गया है पॉपुलेशन स्टडीज़ से, वॉल्यूम 31, नंबर 1976, पेज नंबर 5 और 6. ये कमेंट्री हम लोग देख लेते हैं. ए नंबर ऑफ सोशल यूजेज, अ नंबर ऑफ सोशल यूजेज इज मे स्ट्रेस द चाइल्ड रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ हिज किन ग्रुप एट द एक्सपेंस ऑफ दैट विच हिज पेरेंट्स. कहते हैं कि बहुत सारे सोशल यूजेजेस हैं, है ना, मे स्ट्रेस, जो स्ट्रेस दबा सकते हैं द चाइल्ड रिलेशनशिप, जो चाइल्ड के रिश्ते को बाकी लोगों, बाकी रिश्तेदारों से, बाकी फैमिली के लोगों से, उसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस कर सकती है, कम कर सकती है, दबा सकती है. क्यों? क्यों? एट द एक्सपेंस ऑफ दैट with his parents, उनके parents के, at the expense of that with his parents, कहता है कि उनके parents के, जो उनके माँ हैं और उनके बाप हैं, उन दोनों के साथ जो रिश्ता है उसके expense पर, उसके खर्च, मतलब से
मीन्स कहने का मतलब है दोस्तों, अ नंबर ऑफ सोशल यूजेज मे स्ट्रेस यूजेजेज, है ना, नंबर ऑफ सोशल यूजेज मे स्ट्रेस द चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ हिज किन ग्रुप एट द एक्सपेंस ऑफ दैट विद हिज पेरेंट्स. ओके, हिज aunts and uncles may be permitted greater physical intimacy with him in public than his parents. कहने का मतलब है कि जो intimacy, जो घनिष्ठता उसके माँ बाप के साथ होती है, उससे ज़्यादा कहीं जो घनिष्ठता होती है वो उनके रिश्तेदारों के साथ या फैमिली के लोगों के साथ हो जाती है. वही कह रहे हैं कि उसकी जो आंटियां हैं, उनकी जो चाचियां हैं और उनकी जो चाचा हैं, वो जितने भी चाचा हैं, मे बी परमिटेड, उनको ऐसा परमिट किया जा सकता है, उसको इजाज़त दी जा सकती है ग्रेटर फिजिकल इंटीमेसी. वो लोग काफ़ी शारीरिक रूप से काफ़ी नज़दीक होते हैं, घनिष्ठ होते हैं. किसके साथ? विद हिम इन पब्लिक, मतलब पब्लिक व्यू में लोगों के सामने वो देखते हैं कि बच्चे को, जो बच्चे के साथ है उनके फैमिली वाले, उनकी आंटियाँ, उनके अंकल्स, सारे के सारे ज़्यादा घनिष्ठ, मतलब काफ़ी घनिष्ठ संबंध है इन सब के बीच, देन हिज पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा को छोड़कर. मीन्स उनके मम्मी, बच्चों के मम्मी पापा के साथ जितना घनिष्ठ संबंध है, उससे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध उनके आंटीज़, उनके अंकल्स, उनके और जो फैमिली के लोग हैं उनके साथ हो जाता है. यही बात यह कहना चाहते हैं. ओके, इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज इन अफ्रीका, अफ्रीका के बहुत सारे इस तरह के ट्रेडिशनल समाज में, इन एंड इंडिया, और इंडिया में भी, भारत में भी, है ना, द बायोलॉजिकल फैमिली इज डेलिब्रेटली वीकेंड. कहते जो बायोलॉजिकल फैमिली है, जो बच्चे को जिनने जन्म दिया, जो उनके माँ बाप हैं, इसको क्या करता है बायोलॉजिकल फैमिली, इज डेलिब्रेटली वीकेंड, जानबूझकर इसको कमज़ोर किया जाता है. कैसे? बाय इन्फोर्स्ड एब्सटिनेंस और एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स. बहुत बार ऐसा होता है कि एक्चुअल जो परसिस्टेंस है, और जो पेरेंट्स का जो सेपरेशन है, उनके अंदर जो 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 क्या बोलते हैं, जुदाई हो जाती है, उनका उनका जो विरह हो जाता है, वो लोग जो अलग हो जाते हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है कि इन्फोर्स्ड और एब्सटिनेंट, मतलब ज़बरदस्ती जब उनके माँ बाप अलग हो जाते हैं तो बच्चों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है. बाय इन्फोर्स एब्सटिनेंस और एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एक्सटेंडेड फैमिली. कहता है कि अगर उनके मम्मी पापा उनसे अलग हो जाए तो उनका जो बॉन्ड है, उनका जो रिलेशन है, उनकी जो घनिष्ठता है अपने परिवार के लोगों के साथ बढ़ जाती है. ओके, दस चिल्ड्रेन आर नॉट बोर्न एट द व्हीम ऑफ द पेरेंट्स. कहते कि दस, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चिल्ड्रेन जो है वो माँ बाप के ही व्हीम पर पैदा नहीं होते हैं, बट इन रिस्पॉन्स टू ए ब्रॉडर प्रेशर फ्रॉम द होल ग्रुप. कहता पूरे ग्रुप, जो भी फैमिली होती है, जो कम्युनिटी होती है, जो आंटीज़ होती हैं, जो अंकल्स होते हैं, जो ब्रदर्स होते हैं, जो सिस्टर्स होते हैं, सारे के सारे का उस बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, वो मुतासिर होता है, वो बच्चा सिर्फ माँ बाप का ही ऐसा नहीं है. तो यही एक कमेंट्री था इस तरह का. कुछ क्वेश्चन है दोस्तों इस पेज पे. चलिए क्वेश्चन हम लोग इसके ख़त्म होने के बाद कर लेंगे, और ये क्वेश्चन हम करेंगे अगले वीडियो, अगर इस वीडियो में नहीं हो सका तो हम अगले वीडियो में करेंगे, बट आप वेट ज़रूर कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे. तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ. द वुमन हु सेटिस्फाइज द लॉन्गिंग्स ऑफ हर पेयर्स बाय प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड दे आर ऑल एंशियस टू सी finds her achievement celebrated in ways that dramatize her success. कहता है दोस्तों कि the woman who satisfies, वो औरत, वो महिला जो satisfy करती है, जो संतुष्ट करती है the longings of her peers, अपने दोस्तों के चाहत को, जो चाहते हैं वो उसको satisfy करती है by producing the child. क्या करके?
बच्चे को प्रोड्यूस करके, बच्चे को पैदा करके, दे आर ऑल एंसर्स टू सी, सारे के सारे परेशान होते हैं, बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं देखने के लिए. क्या देखने के लिए? फाइंड्स हर अचीवमेंट. वो उनके प्राप्ति को, उनके अचीवमेंट को क्या करना चाहती है? देखना चाहती है. सेलिब्रेटेड इन वेज दैट ड्रामाटाइज हर सक्सेस. और उनके जो अचीवमेंट को अगर वो बच्चा जन लेती है, पैदा कर लेती है, तो उसकी इस अचीवमेंट को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां मनाकर इसके ड्रामाटाइज, एक ड्रामेटिक अंदाज में उसकी सक्सेस का, उसकी खुशी का एक ठिकाना नहीं होता है. उसके बच्चे को जन्म देने की खुशी में वो लोग काफ़ी ड्रामेटिक अंदाज में अब वो सेलिब्रेट करते हैं. अमंग द फ्यू फर्स्ट पर्सन्स, अगर हम कुछ लोगों की बात करें, अकाउंट्स ऑफ हाउ दिस वर्क इन प्रैक्टिस इन दिस वन फ्रॉम ए यंग सिलहेटी वमन, कहता है कि अगर हम इस प्रैक्टिस की बात करें कि किस तरह से बच्चे के पैदा होने पर लोग खुशियां मनाते हैं, परिवार वाले खुशियों से झूम उठते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो चलिए हम एक एग्जांपल जो है एक जवान सिलहेटी वुमन से, वुमन के साथ क्या होता है, एक सिलहेटी महिला के साथ क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. तो फिर एक कमेंट्री हम यहाँ दिया हुआ है, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं एक बार. पेज नंबर 61 पे, इफ़ ए गर्ल इज़ लकी, अगर कोई गर्ल है, लड़की है, अगर वो लकी है, अगर वो भाग्यमती है, मतलब उसका भाग अगर खुल गया, अगर वो खुशकिस्मत है, खुश नसीब है, एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव, और अगर उसके माँ बाप जिंदा हैं, अलाइव हैं, शी गोज़ टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी. कहता है कि जब वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, प्रेगनेंसी का लास्ट स्टेज होता है, तो वो चूँकि उसके माँ बाप जिंदा हैं, तो वो अपने माँ बाप के घर में चली जाती हैं कुछ महीनों के लिए. एंड अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबीज लाइफ, और बच्चा पैदा होने के 3 महीने तक वहीं रहती हैं. देयर शी गेट्स अ लॉट ऑफ लव, वहाँ उनको बहुत सारा प्यार मिलता है, एंड केयर, प्यार और केयर सब कुछ मिलता है उनको अपने माँ बाप के घर. शी इज़ आस्क्ड What would you like to eat? उसको पूछा जाता है क्या खाओगे, तुम्हें क्या खाना पसंद हो रहा है, अच्छा लग रहा है. What do you fancy? तुम क्या सोचते हो, किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो. All that time she is looked after. प्रत्येक टाइम, हर एक मिनट उसकी खुशी का ख्याल रखा जाता है, उसकी देखभाल की जाती है. द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज़ वन ऑफ द सेलिब्रेशन. टोटल जो जितना भी ये जो मैटर है प्रेगनेंसी का जो पूरा दौर है, पूरे को सेलिब्रेट किया जाता है, खुशियों से झूमा जाता है, और बिल्कुल इसको मनाया जाता है. व्हेन द बेबी इज़ बोर्न, और जब बच्चा पैदा हो जाता है, इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर द होल फैमिली, और ये एक खुशी का मौका होता है, एक खुशी का अवसर होता है पूरी फैमिली के लिए, पूरे परिवार के लिए. द नेमिंग सेरेमनी इज़ लवली, और जो नाम देने का जो सेरेमनी है, जो नाम देने का जो एक तरह का जो फंक्शन होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही प्यारा होता है. इट इज़ हेल्ड व्हेन द बॉय इज़ 7 days old. ये तब होता है जब वो जो बॉय है या जो भी बच्चा पैदा होता है वो 7 दिनों का हो जाता है. अ न्यू ड्रेस इज ब्रॉट फॉर इट एंड ए न्यू सारी फॉर हर मदर. कहते जने हुए बच्चे के लिए, इस दुनिया में जो नया बच्चा आया है उसके लिए उसको एक नया ड्रेस लाया जाता है, और उसकी माँ के लिए एक नई साड़ी लाई जाती है. देर इज़ फिस्टिंग एंड सिंगिंग अनटिल लेट एट नाइट. कहते हैं कि वहाँ अब फिस्टिंग होता है, खान पान होता है, भोज भंडारा होता है, एंड सिंगिंग और गाना बजाना भी होता है, सिंगिंग होता है अनटिल लेट नाइट, काफ़ी देर रात तक इस तरह का माहौल, इस तरह की खुशी का माहौल चलता रहता है. द वुमेन एंड गर्ल्स गैदर एंड सिंग सॉन्ग्स. वुमेन जो हैं, महिलाएँ और लड़कियाँ जो हैं, जमा होती हैं, इकट्ठा होती हैं, और वो गाना गाती हैं. गार्लैंड्स ऑफ टर्मरिक, जो हल्दी के जो गार्लैंड्स हैं, मालाएं हैं, एंड गार्लिक और लहसुन की मालाएं हैं, उनको पहनाया जा आर वर्न उनको पहनाया जाता है टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए, हटाने के लिए. दैट इज़ व्हेन द नेम इज़ चोजन, और तभी उस बच्चे का नाम चुना जाता है. क्लियर है?
Good. The ceremony is held for the birth of a boy or a girl. जो सेरेमनी है वो जो हुजूम है वो जो इस तरह की पार्टी होती है नाम रखने के दौरान, ये चाहे बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो, दोनों के लिए, दोनों के बर्थ पर, दोनों के जन्म पर ऐसा किया जाता है. ऑफ कोर्स इट इज़ कंसीडर्ड बेटर टू हैव ए बॉय. हाँ, ये सही बात है कि लड़का होने का जो क्या बोलते हैं को अच्छा समझा जाता है, कंसीडर्ड बेटर, अच्छा माना जाता है. लेकिन बट द बर्थ ऑफ ए गर्ल इज सेलिब्रेटेड. लेकिन जो बच्ची है, बच्ची का के जन्म को भी सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है विद द सेम जॉय, उसी खुशी के साथ जिस तरह की बच्चे की पैदाइश में होता है बाय द वुमेन इन द फैमिली. उस फैमिली में जितने वुमेन होते हैं उस वो जो बच्ची पैदा हुई है उसके लेके क्या करती है, खुशियाँ मनाती है और सेलिब्रेट करती है. क्लियर है? गुड. We sit together, eating pan and singing. हम लोग एक साथ बैठ जाते हैं, हम लोग पान चिबाते हैं और सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं. Some of us might be young unmarried girls. कुछ तो उसमें ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अनमैरिड जवान लड़कियां होती हैं, जो मैरिड जिसका नहीं हुआ है, मैरिज नहीं हुआ है. Others aged ladies. और कुछ उम्र दराज लड़कियाँ, मतलब औरतें होती हैं जो 40 और 50 साल की उम्र दराज औरतें भी होती हैं. देर आर टू मैनी जोक्स. बहुत तरह के हंसी मजाक और जोक्स वहाँ बोले जाते हैं. सो मच लाफ्टर. बहुत लोग दिल खोलकर हंसते हैं. ओके. पीपल लुक सो फनी ईटिंग पान एंड सिंगिंग. पीपल पान खाते हैं और गाना गाते हैं, बड़े फनी दिखते हैं. द मेन डोंट टेक मच पार्ट. उसमें जो मर्द लोग हैं वो लोग भाग कम लेते हैं. दे मे कम, वो आ सकते हैं. हैव लुक एट द बेबी. वो एक वो जो नया न्यू बॉर्न बेबी है उसको देखते हैं. बट द सिंगिंग, द गैदरिंग टुगेदर एट नाइट. ओके, कहाँ चला गया? ओके, हाँ, सिंगिंग. दे डोंट टेक मच पार्ट. वो जो मर्द लोग होते हैं वो ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते हैं. दे मे कम, वो लोग आ सकते हैं और बच्चे को देख सकते हैं. बट द सिंगिंग, लेकिन जो गाना है, द गैदरिंग टुगेदर एट नाइट, वो जो रात को लोग औरतें जमा होती हैं टुगेदर एक साथ, इट इज़ ऑल वुमेन. ये सारे के सारे औरतें करती हैं, जमा होती हैं, पान खाती हैं, गाना गाती हैं. मर्द आते हैं, बच्चे को देखते हैं और चल बसते हैं, निकल लेते हैं. ओके, द सॉन्ग्स आर सिंपल सॉन्ग्स. वो जो सॉन्ग्स होते हैं, गाने होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं. विच आर रेयरली रिटन डाउन. जो कहीं लिखे नहीं होते हैं दोस्तों, किसी किताब में लिखे नहीं होते हैं, उनके ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं, कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा उनको. वही सॉन्ग्स वो गाते हैं जिसको हम लोकल डायलेक्ट बोलते हैं कि उसकी अपनी ज़ुबान में लिखी होती है. ओके, दे आर अबाउट द लाइव्स ऑफ वुमेन इन बंगाल. वो जो गीत होते हैं, वो जो भी वो लोग गा रहे होते हैं, वो उन औरतों के बारे में होते हैं जो बंगाल के हैं, जो बंगाल में रहते हैं. ये भी दोस्तों एशियन वुमेन ब्रिटेन की जो किताब है उससे ये जो हिस्सा है लिया गया था. चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं, पेज नंबर 62 पे. गुड. देख रहे हैं आप लोग? देखते रहिए. ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा बट ज़रूर इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं. देख कर, ये सिर्फ 2 पेजेस हैं. क्लियर है? गुड. अमंग द रिवार्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी इन दिस केस. कहता है कि अगर हम बच्चा जनने का प्रेगनेंसी के रिवार्ड्स को देखें, उनके नेमतों को देखें, उनका उनको क्या मिलता है, कोई क्या अच्छी चीज़ें मिलती हैं उनको, रिवार्ड क्या मिलता है, इनाम क्या मिलता है. तो रिवार्ड ये मिलता है, अमंग द रिवार्ड्स ऑफ द प्रेगनेंसी इन दिस केस एज इन मैनी अदर्स. कहते दूसरे केसों में भी तो यही होता है ना. इज देयर द वुमन गेट्स टू गो होम टू विजिट हर मदर एंड सिस्टर. क्या रिवार्ड मिलता है, क्या इनाम मिलता है बच्चा पैदा होने का? क्योंकि वो जो औरत है अपने माँ के घर जाती है, अपने मॉम और डैड को देखती है, अपने भाई बहनों को देखती है, वो अपने घर को जाती है. द नॉस्टैल्जिक टोन ऑफ द डिस्क्रिप्शन. जो एक नॉस्टैल्जिक टोन है, एक जो नॉस्टैल्जिक मन होता है दोस्तों, घर की बीमारी, नॉस्टैल्जिया
मीन्स जिसको घर की बार बार याद आती है, वो एक नॉस्टैल्जिक हो जाता है, उसको बार बार याद आने की प्रक्रिया लगी रहती है, तो बोलते हैं एक नॉस्टैल्जिक टोन, वो जो याद आने का एक टोन है उस डिस्क्रिप्शन में दिखता है, उसकी उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें दिखता है, काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो जाता है, वो अपने माँ बाप के घर जाता है, जिसके लिए टिंज्ड विद रोज, जो वो जो है वो बिल्कुल टिंज मैंने होता है दोस्तों ऐड किया हुआ, तो रोज़ के साथ और गुलाब के साथ उसको अगर क्लियरली अगर ऐड कर दिया जाए, हाँ, बाय द मे बी द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्स्टेंट कॉन्ट्रास्ट दैट दिस यंग वुमन फाइंड्स इन इंग्लैंड, कहता है कि मे बी द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट, लेकिन भाई साहब ये जो कॉन्ट्रास्ट है, जो ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क का पैमाना देखो, अगर इस फ़र्क को अगर हम लोग जानेंगे और हम लोग देखेंगे तो हमको पता चलेगा दैट दिस यंग वुमन फाइंड्स इन इंग्लैंड, तो कहते कि इस तरह के जो कहाँ चला गया, ओके रोज़ में टिंज विद रोज मे बी द प्रोडक्ट ऑफ द कंट्रास्ट दैट दिस यंग वुमन फाइंड्स इन इंग्लैंड, कहता है कि वो जो इंग्लैंड की जो वुमन है वो इसको किस तरह प्राप्त करती है, अनदर ऑफ द एशियन वुमन हु फाउंड अ वॉइस इन अमृत विल्सन्स बुक गिव्स अ सिमिलरली रोजी पिक्चर ऑफ रेयरिंग ए चाइल्ड इन बांग्लादेश, और बांग्लादेश में भी इस तरह का रोजी पिक्चर आपको प्राप्त होगा और इस तरह के पिक्चर्स हमको इंग्लैंड में भी प्राप्त हो रहे हैं। अब फिर एक केस स्टडी है, एक किसी किताब से लिया गया, हम लोग उसको देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। इन बांग्लादेश चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 or 6 आर लुकड आफ्टर बाय द होल फैमिली, वो जितने भी बच्चे होते हैं जो 5 या 6 साल से छोटे होते हैं अंडर नीचे होते हैं आर लुकड आफ्टर, उनका देखरेख किया जाता है, उनको देखभाल किया जाता है बाय द होल फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली के द्वारा उसका देखरेख किया जाता है, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली, और संयुक्त परिवार के ज्वाइंट फैमिली के जितने चिल्ड्रन होते हैं, जितने बच्चे होते हैं आर लुकड आफ्टर टुगेदर, उनको एक साथ उसका देखरेख उसकी देखभाल की जाती है, ओके, दे आर टेकन टू द पॉन्ड फॉर ए बाथ, उन लोगों को जब तालाब में नहाने के लिए ले जाया जाता है परहैप्स बाय वन डॉटर इन लॉ, सिर्फ एक डॉटर इन लॉ के द्वारा, सिर्फ एक बहू के द्वारा, पूरे परिवार में 2-4 बहुएं होंगी, उसमें एक बहू के द्वारा सारे बच्चे के तालाब में नहाने के लिए ले जाया जाता है, बट शी बेथ्स देम ऑल एंड सी बेथ्स देम ऑल, और वो सारे के सारे बच्चों को गुसल देती है, नहलाती है, देन दे ऑल कम इन एंड सिट डाउन टू ईट, फिर सारे बच्चे आते हैं एक साथ बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, परहैप्स द यंगेस्ट डॉटर इन लॉ, शायद के सबसे छोटी जो बहू होती है हैज़ कुक्ड द मील, उसने खाना बनाया होता है, खाना पकाया होता है, अनदर वन फीड्स देम, और दूसरी जो परिवार की औरतें हैं उसको खाना खिलाती हैं, किनको, बच्चों को, एज फॉर प्लेइंग द चिल्ड्रेन, और जहाँ तक चिल्ड्रेन के खेलने की बात है, चिल्ड्रेन प्ले आउट ऑफ डोर्स, चिल्ड्रेन जो है घर से बाहर खेलते हैं विद नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और प्राकृतिक सामानों के साथ, कोई बनावटी सामानों के साथ नहीं, प्राकृतिक सामानों के साथ खेलती है, हेयर पीपल से दैट एशियन चिल्ड्रन डोंट प्ले विथ टॉयस, यहाँ तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि एशिया के जो मतलब वो हैं जो लोग हैं है ना, वो ऐसा कहते हैं कि एशियन चिल्ड्रन, एशिया के जो बच्चे हैं वो डोंट प्ले विथ टॉयज, वो खिलौने के साथ नहीं खेलते हैं, तो फिर करते क्या हैं, इन बांग्लादेश दे डोंट नीड टॉयज, और बांग्लादेश में खिलौने की ज़रूरत बच्चों को नहीं है, दे मेक देयर ओन सिंपल थिंग्स, वो अपने आप से कुछ खेलने की कोई सिंपल सी चीज़ बना लेते हैं, इन द आफ्टरनून दे लव टू हेयर, और दोपहर के बाद दे लव टू हेयर, उनको सुनना पसंद आता है, और सुनने से प्यार करते हैं, मतलब सुनना चाहते हैं, बहुत बहुत अच्छी तरह सुनना चाहते हैं, रूप थोका बोलते हैं फेरी टेल्स, मतलब परियों की कहानी को सुनना चाहते हैं, मे बी देयर इज ए फेवरेट आंट, ऐसा हो सकता है कि उनकी कोई पसंदीदा आंटी हो, बच्चों की आंटी हो, चाची हो,
She tells them these stories. वही चाची इसको परियों की कहानियाँ सुनाती हो. But at night, लेकिन रात को जब रात हो जाती है, when they get sleepy, जब वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनको नींद आ रही है, they always go to their mothers. वो हमेशा अपनी अपनी माँ के साथ जाते हैं and sleep in their embrace. और वो अपने माँ के साथ गले लगकर सो जाते हैं. कौन बच्चे? Okay. But other women do help a lot. और दूसरे वुमन भी फैमिली के जो भी वो दूसरे औरतें होती हैं उसको इस काम में काफ़ी मदद करती हैं. In fact, अगर सच्चे में देखा जाए they have such a strong relationship. उनके बीच का जो संबंध है काफ़ी मजबूत होता है with the child, बच्चे के साथ. That it is not uncommon for them. लेकिन ये उन लोगों के लिए अनकॉमन नहीं है, मतलब कॉमन सी बात है फॉर देम टू कॉल्ड. क्योंकि अगर वो सब कोई उसका ध्यान रखेंगे, कोई चाची नहलाएगा, कोई चाची खाना खिलाएगा, कोई चाची उसको कहानियाँ सुनाएगा, तो यकीन मानिए ऐसी फैमिलीज़ में क्या होगा, एक 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 रिलेशन का जो बॉन्ड है काफ़ी तगड़ा होगा, काफ़ी मजबूत होगा. और फिर अपनी माँ को तो माँ बच्चे कहेंगे ही, और फिर उसके अपने आंटीज़ को जो 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 उनकी बड़ी आंटीज़ हैं उसको बोलेंगी बिग मदर, बड़ी अम्मी, है ना, बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मी. और जो छोटी हैं उनको बोलेंगे छोटी अम्मी या छोटी माँ, बड़ी माँ, छोटी माँ, इस तरह के लोग बोलते हैं. क्लियर है दोस्तों? तो चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं. आपको हर बात समझ में आ रही है? गुड, आसान है, बहुत आसान है. ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज कॉजेज सोशल प्रॉब्लम्स. कहा जाता है कि जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आई हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी ने चेंज लाया है इस दुनिया में, इससे क्या हुआ, सोशल प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं. टेक्नोलॉजी से सोशल प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं. कैसे? द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़. कहता है कि जो वेस्टर्न, जो पश्चिमी देशों से जो दवाएं आती हैं, मेडिसिन आती हैं, वो उनका जो असर है, उनका जो इम्पैक्ट है हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ पर, हमारे ट्रेडिशनल समाज पर, इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन. ये जो उनका जो इम्पैक्ट, असर है हमारे जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में है, ये कहा जाता है कि मॉडर्नाइजेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है. मॉडर्नाइजेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाला, समस्या वाला एक रीजन है, क्षेत्र है. क्या क्या? वेस्टर्न मेडिसिन्स. ठीक है, ओके. The prestige of the white coat is enormous. White coat कौन पहनता है दोस्तों? काला कोट वकील पहनता है, white coat डॉक्टर्स पहनते हैं. तो कहता है कि the prestige, वो जो इज्जत है, वो जो दबदबा है, वो जो गरिमा है, किसका? white coat का, डॉक्टरों का, is enormous, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है उनका दबदबा. किसका? डॉक्टरों का, white coat का. The respect for their miraculous hypodermics is total. कहता है कि उनका जो respect है, उनकी जो इज्जत है for their miraculous, चमत्कारी hypodermics. Hypodermics वो बोलते दोस्तों science of injections, जो इंजेक्शन देने का जो कला है, जो इंजेक्शन देने की जो विद्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं hypodermics. Hypodermics, ओके. उसकी इज्जत होती है, मिरेकुलस, चमत्कारी है भाई. मतलब वो सुई देता है, मतलब इंजेक्शन देता है, अच्छा हो जाता है या कुछ हो जाता है. एक बिल्कुल चमत्कारी एक साइंस है ना, किसके लिए? द प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन मेक्स फॉर एग्रेसिव. उनका जो एक्सपेक्टेशन है ना, जो आशा है, उनकी आशा का जो उनकी आशाओं का जो वाइट कोर, जो डॉक्टर सोचते हैं, उसका जो प्रेशर है, उसका जो दबाव है, मेक्स फॉर एग्रेसिव एंड ड्रामेटिक प्रोसीजर्स. काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी ड्रामेटिक तरीकों को, प्रोसीजर को वो लोग चुनता है. कौन लोग? डॉक्टर लोग. इवन व्हेन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट, तब भी जबकि जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, उसका जो हेल्थ स्टेटस है, उसका जो सेहत का जो स्टेटस है, हालत है, वो बिल्कुल इज़ टू पुअर टू विदस्टैंड देम. इतना कमज़ोर होता है, इतना
कमज़ोर होता है कि वो उनको झेल नहीं सकता, फिर भी वो उनके साथ क्या क्या करते हैं, काफ़ी एग्रेसिव और ड्रामेटिक प्रोसीजर का तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। कौन लोग? डॉक्टर लोग। क्लियर है? एलोपैथिक डॉक्टर्स, एलोपैथिक मीन्स अंग्रेजी दवा वाले, वेस्टर्न, जो पश्चिम देशों में जो इलाज करने का तरीका है दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स। एलोपैथिक डॉक्टर्स इन पीजेंट कम्युनिटीज, कहते हैं कि किसानी समुदाय में, पीजेंट माने किसानी समुदाय में जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं आर डिपेंडेंट अपॉन एक्सपेंसिव ड्रग्स, वो फुल्ली के फुल्ली डिपेंडेंट हैं, फुल्ली के फुल्ली आश्रित हैं किस पर? एक्सपेंसिव ड्रग्स पर, काफ़ी महंगे महंगे दवाइयों पर, स्पार्कलिंग इक्विपमेंट्स, चमकते चमकते सामानों पर, एंड लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत ही ज़्यादा बिजली पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, मोस्ट ऑफ विच दे हैव नॉट गॉट इन सफिशेंट क्वान्टिटी। और जी और जैसा कि देखा गया है कि मोस्ट ऑफ विच इन सभी में से जिनका इस्तेमाल बोला गया, क्या? इलेक्ट्रिसिटी, ड्रग्स और इक्विपमेंट्स, ये सारे चीज़ों का है ना, दे हैव नॉट गॉट इन सफिशेंट क्वान्टिटी, इनको वो सफिशेंट क्वान्टिटी में, पूर्ण क्वांटिटी में, जितना ज़रूरी है उतने मैदा मतलब तादाद में, उतनी संख्या में बिल्कुल भी नहीं मिलता। वेयर फॉरेन एड हैज एस्टेब्लिश्ड द टेम्पल ऑफ आवर रिलीजन द हॉस्पिटल, कहते हैं कि जहाँ विदेशी जो मदद है, विदेशी जो एड है, उन लोगों ने क्या किया है, एक एस्टेब्लिश किया है, स्थापित किया है क्या, टेम्पल ऑफ आवर रिलीजन, हमारे धर्म का एक मंदिर बनाया है जिसका नाम क्या है, हॉस्पिटल, अस्पताल। इट मस्ट मेक ए रिचुअल डिस्प्ले, इसको पक्का पक्का ऐसा बनाना चाहिए, एक रिचुअल डिस्प्ले, एक रिचुअल जो है इसको हम लोग बोलते हैं रस्म और रीति का जो डिस्प्ले है, इसको हम लोग दिखाते हैं, प्रदर्शन है ऑफ इट्स पावर, और इसके पावर का प्रदर्शन होना चाहिए विद हॉरिबल रिजल्ट्स, जो कि काफ़ी खतरनाक रिजल्ट्स परिणाम दिए हैं। शीला किजिंगर विजिटेड एन एनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल, ये जो शीला किजिंगर नाम की जो महिला हैं, इसने बहुत बड़े मॉडर्न अस्पताल का क्या किया विजिट किया, दौरा किया, बांटू पेशेंट्स इन साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में बांटू पेशेंट्स नाम के जो पेशेंट्स हैं उसको देखने के लिए वो उन्हें एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का दौरा किया था। एंड दिस इज़ व्हाट वी सॉ, और वो यही चीज़ है जो हम देखते हैं, जो कि नीचे लिखा हुआ है, वो हम क्या देखते हैं द डिलीवरी वार्ड वॉज फुल ऑफ ग्रोनिंग, कहते हैं कि वो जो डिलीवरी वार्ड था जहाँ बच्चे जन्म ले रहे थे, जिस हॉल में बच्चों का जन्म हो रहा था, डिलीवरी जो वार्ड है वॉज फुल ऑफ ग्रोनिंग, एकदम फुल था, बिल्कुल चिल्लाने की आवाज़ से, कराहने की आवाज़ से, बिल्कुल ग्रोन मने होता है दोस्तों चिल्लाना, कराहने की आवाज़ से बिल्कुल फुल था। वर्लिंग वुमेन, और वहाँ जो वुमेन थे वो लोग वर्लिंग कर रहे थे, घूम रहे थे, कुछ गिर रहे थे, अपने आपे में नहीं थे। द मेजॉरिटी लेबरिंग अलोन, और उसमें तो बहुत सारे ऐसी औरतें थीं जो खुद ब खुद जो बच्चों को जन्म दे रही थी, वो लेबरिंग अलोन, अकेले थी और वह अकेले जन्म दे रही थी। ऑक्सीटोसिन ड्रिप्स एंड पम्प्स पर इन वाइड स्प्रेड यूज़, ऑक्सीटोसिन बोलते हैं दोस्तों एक तरह का हार्मोन होता है जो दो बच्चा होने के दौरान, जो बच्चा इशू होता है तब उसको दिया जाता है ताकि वो कंट्रैक्शन ज़्यादा हो सके उसमें, ओके उसके जो लेबर पेन में जो है जो लेबर पेन को बढ़ा सके, उसमें कॉन्ट्रेक्शन हो सके ताकि बच्चा इजीली बाहर आ जाए। ऑक्सीटोसिन ड्रिप्स, वो जो ड्रॉप्स है वो दिए जा रहे थे। एंड पम्प्स वर इन वाइड स्प्रेड यूज़, काफ़ी धड़ल्ले से यूज़ किया जा रहा था है ना, ऑक्सीटोसिन ड्रिप्स का और पम्प्स का काफ़ी धड़ल्ले से यूज़ इस्तेमाल किया जा रहा था। दिस वॉज द मीटिंग प्लेस ऑफ द ओल्ड अफ्रीका, ये एक संगम था, मीटिंग प्लेस था, मिलने का एक
मिलने की जगह थी ऑफ द ओल्ड अफ्रीका पुराने अफ्रीका एंड न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट और नए वेस्ट की पश्चिम की नई तकनीक और पुराने अफ्रीका के बीच में एक मेल था एक मिलने की जगह थी दोनों की ओके पुल्स ऑफ ब्लड ले ऑन द फ्लोर लाइक सेक्रीफाइस सेक्रीफिशियल आउटपोरिंग्स ऐसा लग रहा था कि पुल्स ऑफ ब्लड खून के तालाब बह रहे थे खून के पुल्स फ्लोर पे बह रहे थे ऐसा लग रहा था कि जैसे ने किसी जानवर को बलि दिया हो उस तरह से जो आउटपोरिंग है बिल्कुल जो फटाफट जो खून निकलता है उस तरह से खून बिखरा पड़ा था एंड बांटू नर्सेज और वहाँ की जो बांटू नर्सेज थी और हैप्पी टू लीव देम उन खुशी उनको वो खुश हो रही थी उनको छोड़ करके उनको अटेंड नहीं करके देन देर एज ए विटनेस ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द अर्थ वहाँ उनको छोड़ करके और एज ए विटनेस ऑफ द ब्लेसिंग्स और वो उसका गवाह बन रही थी कौन लोग बांटू नर्सेज विटनेस ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द अर्थ वो धरती के ब्लेसिंग्स का गवाह बन रही थी कौन लोग बांटू नर्स उनने उनको जो लेबरिंग वुमेन थी उनको उन्हें अटेंड नहीं किया उनको उन्हें अकेला छोड़ दिया लेबर पेन के साथ वेल दे बिजी देमसेल्फ विद टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न इक्विपमेंट्स और जबकि उन बांटू नर्सेज ने अपने आप को क्या कर लिया बिजी कर लिया अपने आप को जज्ब कर लिया अपने आप को मशगूल कर लिया अपने आप को वहाँ बिल्कुल लगा दिया विथ टेक्नोलॉजिकली क्योंकि टेक्निकल रूप से टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड मतलब एडवांस मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो मॉडर्न जो सामान थे इक्विपमेंट्स थे औजार थे एंड इग्नोर द लेबरिंग वुमेन और उनने वो इन इक्विपमेंट्स के साथ जुड़ गया देखने लगा काम करने लगा और उन लेबरिंग जो वुमेन थी उन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया उन लोग उसको इग्नोर कर दिया उसको अवॉइड कर दिया एज फार एज पॉसिबल जितना उससे मुमकिन हो सका उनने औरतों को नकार दिया उन्हें उसको अवॉइड कर दिया विच इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट जो कि इतना डिफिकल्ट नहीं था टू डू एज दे डिड नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेज एनी वे इतना डिफिकल्ट नहीं था वो कर सकती थी लेकिन क्योंकि उन लोगों को वो लैंग्वेज वो भाषा नहीं आती थी वो लोग उस भाषा को बोलना नहीं जानते थे सेम भाषा को बोलना नहीं जानते थे बर्थ वॉज वेरी फार फ्रॉम नॉर्मल वो जो कहते हैं ये बर्थ है जो है वो जो जन्म है बहुत दूर था नॉर्मल से हेयर एंड इट वॉज कंडक्टेड इन सच ए वे और इसको इस तरह से कंडक्ट किया जा रहा था इसको इस तरह से चलाया जा रहा था कि दैट आई हैड सीन बिफोर इन अमेरिकन हॉस्पिटल्स जो कि मैंने ये लेखिका कह रही हैं कि जो कि मैंने अमेरिकन हॉस्पिटल्स में देखा था वैसे ही काम यहाँ चल रहा था कैटरिंग फॉर ब्लैक्स के लिए ब्लैक को अमेरिका में ब्लैक गोरे और कालू का काफ़ी दिनों से लड़ाई चल रही थी मार्टिन लूथर किंग भी आए थे वो ब्लैक थे तो उनने चाहा कि ब्लैक और वाइट के बीच का जो डिफरेंस है इसको हटाया जा सके लेकिन ऐसा हुआ नहीं कैटरिंग फॉर ब्लैक क्लिनिक पेशेंट्स फ्रॉम लार्ज अर्बन घेटोज वहाँ जो अर्बन जो शहरी जो घेटोज थे घेटोज बोलते दोस्तों जहाँ बहुत सारे लोग एक ही जगह पर रहते हैं उसको हम लोग घेटोज बोलते हैं तो वो जो पेशेंट्स थे वो जो बड़े बड़े जो अर्बन जो शहरी जो घेटोज थे वहाँ से आते थे और वो लोग अमेरिकन हॉस्पिटल्स में जाते थे और उसका वहाँ किस तरह से इलाज होता था ओके इम्पर्सनल कन्वेयर बेल्ट ऑब्स्टेट्रिक्स कम अकम्पनीड बाय प्लेथरा ऑफ टेक्निकल इनोवेशंस एंड मशीनरी कहते हैं कि जो पर्सनल नहीं था निजी नहीं था कन्वेयर बेल्ट ऑब्स्टेट्रिक्स वो जो बेल्ट ऑब्स्टेट्रिक जो बच्चा को पैदा करने के दौरान जो क्या बोलते हैं एक कन्वेयर बेल्ट लगता है अकॉम्पनीड बाई और यही नहीं उसके साथ प्लेथोरा ऑफ बहुत सारे ऑफ टेक्निकल इनोवेशंस और जो टेक्निकल जो नया नया चीज़ बना है और जो मशीनरी आई है नई नई जो मशीन्स आए हैं उसके साथ वो काम करने लग गए कहानी पकड़ में आ रही है लास्ट लास्ट है नौ और दस
If we turn birth from a climatic personal expansion to a personal disaster, अगर हम birth को, जन्म को, climactic personal experience, अगर हम निजी experience से हटाकर इसका रुख हम लोग किधर मोड़ दें, into personal disaster, निजी disaster, निजी बर्बादी, निजी विपत्ति के रूप में अगर हम इसको बना दें, it matters little, बहुत छोटी सी बात है, that the result is more likely to be live child, जो result है, वो ज़्यादा संभावना है कि वो एक जिंदा बच्चा होगा, पैदा होगा, woman will not long continue, कि जो औरतें हैं, लंबे समय के लिए, है ना, will not long continue, लंबे समय के लिए जारी नहीं रखेंगी, क्या, to offer up, देने के लिए, their bodies, अपने जिस्मों को and minds अपने दिमागों को to such brutality इस तरह की निर्दयता इस तरह की brutality इस तरह की दरिंदगीपन इस तरह की वहशानत पर वो जो औरतें हैं काफ़ी देर समय तक अपने जिस्म को और अपने दिमाग को देना पसंद नहीं करेंगी especially if there is no one at home तब जबकि विशेष रूप से उसके घर में कोई नहीं है टू वेलकम द चाइल्ड उसके घर में कोई नहीं है जो बच्चे का स्वागत कर सके जिसके बच्चा पैदा होने पर जिसको खुशी हो सके टू प्रेज द मदर जो माँ की तारीफ कर सके फॉर हर करेज उसके ही उसको दिलासा दे सके एंड टू हेल्प हर रेज इट और उसकी मम्मी को हेल्प कर सके ताकि बच्चे को बड़ा किया जा सके बच्चे को उठाया जा सके ऐसा अगर कोई नहीं है तो क्यों कोई माँ अपने जिस्म का अपने दिमाग का रिस्क लेगी वो लंबे समय तक तो ये बात ऐसा होने वाला नहीं है इनफैक्ट सच में अगर देखा जाए तो प्रिजन कम्युनिटीज़ आर मोर लेवल हेडेड कहते कि जो प्रिजन के जो कम्युनिटीज़ हैं किसान के जो समुदाय हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल हैं बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं लेवल हेडेड हैं एंड स्केप्टिकल और काफ़ी शक्की भी हैं काफ़ी शक भी उनको होता है काफ़ी डाउट होता है ऑफ अस हमारे बारे में और लेखिका कह रही है हमारे बारे में उनको ज़्यादा शक होता है एंड हमारे मेथड्स के बारे में आवर मेथड्स दैट वी रियलाइज द एंड दे हैव रेसिस्टेड द इंट्रूजन ऑफ आवर क्रोमियम प्लेट टेक्नोलॉजी और वो लेखिका कह रही हैं कि हमने इन प्रेजेंट के कम्युनिटीज़ को समुदाय को देखा कि ये लोग रियलाइज़ कि हमने रियलाइज़ किया हमने महसूस किया कि वो लोग रेसिस्टेड इंट्रूजन उन लोगों ने रोक दिया उन्हें रेसिस्ट किया मना किया कि जो हम लोग जो क्रोमियम प्लेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं थोपते हैं हम लोग इंट्रूड करते हैं इनका उन लोगों ने काफ़ी विरोध किया है मोर सक्सेसफुली देन वी लाइक टू थिंक और उतना सक्सेसफुली उन लोगों ने विरोध किया है जितना हम लोग सोच भी नहीं सकते दे नो दैट डेथ अटेंड्स टू फ्रीक्वेंटली वो जानते हैं कि जो मौत है कई बार आ जाती है इन द ट्रेडिशनल बर्थ प्लेस जहाँ भी ट्रेडिशनली बच्चे को जन्म दिया जाता है वहाँ मौत का आना जाना बिल्कुल लगा रहता है वो इस बात को समझते हैं कौन लोग प्रेजेंट कम्युनिटी के लोग बट दे ऑल्सो नो लेकिन वो लोग ये भी जानते हैं कि देर आर वर्स ऑफ फेट्स देन डेथ कहते हैं कि डेथ से भी बढ़कर तो कोई फेट होता है कोई किस्मत होती है डेथ तो चलो डेथ है लेकिन उससे बढ़कर भी कोई चीज़ होती है नेवरदलेस फिर भी ऑल दैट स्टॉप्स आवर टेक्नोलॉजी जो भी हमारे टेक्नोलॉजी को रोकता है फ्रॉम रीचिंग इन टू एवरी हार्ट जो कि प्रत्येक झोपड़ी प्रत्येक छोटे छोटे कॉटेज में पहुंचने से रोकता है वो कौन रोकता है वो कोई दूसरा नहीं रोकता वो गरीबी रोकती है क्योंकि मेडिकल साइंस में पैसा ज़्यादा खर्चा होता है लोगों को तो लोग ट्रेडिशनली जन्म देना बर्थ जो बच्चे का होता है वो ट्रेडिशनली होता है क्योंकि वो मेडिकल के इतने सारे जो फी का बर्डन है जो फीस है पैसा है इतना जमा नहीं कर सकते हैं नेवरदलेस ऑल दैट स्टॉप्स आवर टेक्नोलॉजी फ्रॉम रीचिंग इनटू एवरी हार्ट एंड लवेल इज पॉवर्टी ये कह रही हैं कि हमारे टेक्नोलॉजी को जो छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों तक छोटे छोटे घर तक पहुंचने से रोकता है वो कौन रोकता है सिर्फ और सिर्फ कौन गरीबी पॉवर्टी गुर्बत
द कल्चरल हेजमोनी ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इज टोटल. कहता है कि ये जो सांस्कृतिक जो वर्चस्व है वो किसका वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का, जो पश्चिमी तकनीक का जो सांस्कृतिक जो वर्चस्व है वो बिल्कुल टोटल है, एकदम फुल है, उसके अलावा और कुछ नहीं है. पॉइंट नंबर 10 और एंड लास्ट पॉइंट, द वॉइसेस ऑफ ए फ्यू वुमन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड. कहते हैं कि कुछ वॉइसेस, कुछ आवाज़ें कुछ औरतों की उठाई गई इन वार्निंग, किसमें, वार्निंग देने के लिए, कैन नॉट बी हर्ड, सुना नहीं जा सकता, ओवर द हमिंग एंड थ्रोबिंग आवर ऑफ आवर मशीन्स. कहते हैं कि चूँकि हमारी जो मशीन्स हैं वो जो बीट रही हैं, वो थ्रोब कर रही हैं, वो गुनगुना रही हैं, वो झकपका रही हैं, उनकी आवाज़ें होती हैं, तो उन मशीनों की आवाज़ों ने है ना, जो हमारे औरतों की आवाज़ों को क्या किया है, हमेशा के लिए दबा दिया है. वॉइस ऑफ ह्यूमन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड ऑफ, है ना, वो जो कुछ औरतों की जो आवाज़ें थी उनने उठाई थी, वो हमारे मशीनों की बीटिंग्स और मशीनों की झिझनाहट, मशीनों की आवाज़ों के सामने वो दब गया है, सुनाई नहीं दिया है. विच इज़ प्रोबेबली जस्ट एज वेल, और जो कि ये ठीक भी है, शायद सही भी है. फॉर इफ यू सक्सीड इन क्रशिंग ऑल प्राइड, अगर वो हम सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, हम सफलता पा भी लेते हैं, क्या करने के लिए, ऑल प्राइड, सारे गर्व को, सारे डिग्निटी को, सारे जो भी डिग्निटी है, जो भी हमारे अंदर इज्जत है, सबको क्रश करने के लिए, क्रश करने में, तोड़ने में, ख़त्म करने में, आउट ऑफ चाइल्ड बियरिंग, अगर हम चाइल्ड को बेयर करते हैं, चाइल्ड को लेते हैं, और ये चाइल्ड को लेने में ये सारा हमारा ख़त्म हो जाता है, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ. तो कहते हैं कि पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन है, पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रहा है, वो अपना ख्याल खुद रख लेगा. क्लियर है दोस्तों, कहानी पकड़ में आई? ओके. इज प्रोबेबिलिटी जस्ट एज वेल, बट वी सक्सीड इन क्रशिंग ऑल प्राइड एंड डिग्निटी आउट ऑफ चाइल्ड बेयरिंग. अगर ये जितनी भी हमारा जो प्राइड है, जो डिग्निटी है, अगर इफ़ यू सक्सीड इन क्रशिंग ऑल प्राइड एंड डिग्निटी आउट ऑफ चाइल्ड बेयरिंग, अगर हम अगर चाइल्ड बेयरिंग का जो चाइल्ड को पैदा करने का, अगर वो जो डिग्निटी है, वो जो प्राइड है, अगर हम सबको क्रश करने में सक्षम हो जाते हैं, कहते ना हम काफ़ी डिग्निफाइड हो गए, हमारी क्या है, हम प्राउड हैं कि हम मम्मी बन गए, हम पापा बन गए, अगर इन प्राइड को, इन डिग्निटी को अगर हम क्रश कर दें, तो हम लोग उसको ख़त्म कर दें, क्रश कर दें, तो हमको बाप बनने पे कोई प्राइड नहीं होगा, कोई गर्व नहीं होगा, किसी को माँ बनने में कोई गर्व नहीं होगा. जब हम इस गर्व को, इस प्राइड को, इसको हम ख़त्म कर देंगे, तब पॉपुलेशन बढ़ेगा ही नहीं, हमको शौक ही नहीं होगा बाप बनने का, तो हम पॉपुलेशन बढ़ेगा किस तरह से. इसलिए बोलता है कि हमको प्राइड, डिग्निटी जितना भी है, अगर हम क्रश कर दें, ख़त्म कर दें, हम इसके बारे में बोले ही ना, सोचे ही ना, तो क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, जो ये जो 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 जनसंख्या का विस्फोट है, विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ, अपना जो केयर है ये खुद करेगा, मतलब जनसंख्या बढ़ेगा नहीं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होगा. तो चलिए दोस्तों, यही कहानी थी पूरी की पूरी, जो आपने पूरा का पूरा सेकेंड स्टेज में देख लिया. अब इसके जो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम आपको करवा देंगे. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और इससे पहले वाला पार्ट ज़रूर देखिए, क्योंकि वो पार्ट और ये पार्ट दोनों मिला करके हम आपको पूरी कहानी समझ में आएगी. वो जो पहला वाला पार्ट है, आपको ऊपर आई बॉल में मिल जाएगा, देख लीजिए, है ना, आई बॉल में साइड में मिल जाएगा. नहीं तो आप इसके बाद जो वीडियो के का जो डिस्क्रिप्शन आएगा, सॉरी, वीडियो के जो लास्ट में जो आपको जो कार्ड्स आएंगे उसमें आपको मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देखिए, इसको मिला करके देखिए. बहुत ही आसान था, टफ नहीं था. आप इसको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा. जहाँ कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करिए, आप कीजिएगा, नहीं तो क्लास में पूछिएगा. चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय.